ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जहां हम एक तरफ एन जैसी संस्था की बात कर रहे हैं देश भर में, वहां जिले स्तर पे भी स्वास्थ्य की सेवाओं में वृद्धि होनी होगी। और ऐसा ही घटना मेरे संसदीय क्षेत्र में हुआ है, जहां शिवपुरी में 7 फरवरी 2002 को 190 करोड़ रुपए की शिवपुरी मेडिकल कॉलेज की घोषणा की गई थी तत्कालीन मंत्री गुलाम नबी आजाद जी के द्वारा। उसके बाद आदेश भी 3 दिन के अंदर पारित हो गए थे, जमीन भी जुलाई का के माह में 2014 में दी गई थी, एमओयू अगस्त 2015 में की गई थी, भूमि पूजन भी की गई थी, लेकिन 2.5 वर्षों से ये बिल्कुल चेटी की चाल चल रही है ये योजना, और आज तक एक भी ईंट का पत्थर नहीं लगा। इनफैक्ट एक षड्यंत्र चला था इसका स्थान परिवर्तन करने के लिए, और मैं सदन में नड्डा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने पूरी तरह से अपने तरफ से कहा कि स्थान परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन आज मैं पूछना चाहता हूं कि क्या केंद्र सरकार एक उच्च स्तरीय समिति गठित करेगी इन मेडिकल कॉलेजों के लिए मध्य प्रदेश में, आपके और हमारे राज्य में अध्यक्षा महोदय, जहां बहुत मेडिकल कॉलेज पूर्ण रूप धारण कर चुके हैं लेकिन शिवपुरी मेडिकल कॉलेज का कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ। कहा जाता है कि डीपीआर लंबित है शासकीय नियम के अनुसार उनकी स्वीकृति के लिए, तो क्या एक उच्च स्तरीय कमिटी गठित करेगी और निर्माण कार्य कब शुरू होगा और शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक पदों की स्वीकृति सक्षम स्तर तक कब तक प्राप्त होगी और एमसीआई का परमिशन क्या कब मिलेगा। मैं नड्डा जी से कृपा पूर्वक उत्तर चाहूंगा क्योंकि उन्होंने स्वयं इस विषय पर और इस योजना पर अपना समर्थन दिया है, तो उनके तरफ से मैं उत्तर चाहूंगा। धन्यवाद मैडम। वी आर कमिटेड, प्लीज लिसन मैडम, वी आर कमिटेड फॉर द नोटिफिकेशंस डन फॉर द वेरियस मेडिकल कॉलेजेस इन द स्टेट, and here also we have a notification for Shivpuri. We are working on it. DPR is awaited, but we'll go fast on it. Thank you. We will initiate on ourselves and we'll go fast. अल्पसंख्यकों को बांग्लादेश चले जाना चाहिए। ओके, कोई कहता है कोई वहां चले जाना चाहिए, कोई मुजफ्फरनगर के बारे में कहता है, कोई कहता है अवार्ड्स क्यों वापस दिए, कोई कहता है पाकिस्तान चले जाओ, ये गवर्नर कह रहे हैं, कोई लव जिहाद की बात करता है।